हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्या एजुकेशन हिल्डिश में। तो आज हम बात करने वाले हैं पटना वुमेंस कॉलेज के बारे में। पटना वुमेंस कॉलेज में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं और सेशन 2021-22 में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको बता दें कि उनका जो एडमिशन का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसे वेबसाइट पर जारी कर दिया गया और उसे कब से ऑनलाइन होगा और कब तक आप लोगों को ऑनलाइन डेट लास्ट डेट दिया गया है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहे और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे रिलेटेड आप लोगों को जो भी वीडियो आएगा वो आप लोगों को तुरंत ही मिल जाएगा। और साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप लोगों को छोटी बड़ी खबरें, सभी प्रकार की खबरें वहाँ पर आपको आराम से मिल जाती है। आप लोगों को यूट्यूब पर आने को जरूरत, वहाँ पर आप लोगों को पूरी खबर मिल जाएगी। तो चलिए हम आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग सामने एक नोटिस खुला हुआ है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं पटना वुमेंस कॉलेज, यहाँ देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी। तो ये पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है जैसा कि, लेकिन इसका जो फॉर्म है ये पटना वुमेंस कॉलेज खुद यानी स्वयं जारी करता है, यानी पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं जारी किया जाता। यहाँ दिया गया कि एडमिशन फॉर्म्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 आर अवेलेबल ऑनलाइन द वेबसाइट द पटना वुमेंस कॉलेज एट www.patnawomenscollege.in पर फॉर ऑल द कोर्सेज ऑफर्ड बाई पटना वुमेंस कॉलेज एट द अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा लेवल। यहाँ कहा जा रहा है कि आप लोगों को अगर ऑनलाइन करना रहेगा तो आप लोग, या फिर आप लोगों को ये नोटिस पढ़ना रहेगा या फिर ऑनलाइन करना रहेगा तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.patnawomenscollege.in पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं इसका नोटिस, इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही आप लोगों को ऑनलाइन करना रहेगा तो आप लोग इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया गया कि आप लोगों को कौन कौन सा कोर्स यहाँ ऑफर किया जाता है, बता देते हैं कि यहाँ दिया गया अंडर ग्रेजुएट आप लोग कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी यहाँ कर सकते हैं। डिप्लोमा लेवल आप लोग यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों का जो भी, तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट डेट भी यहाँ दिया गया है। आप लोगों को बता दें कि आप लोग का जो स्टार्ट फॉर्म हुआ है वो स्टार्ट फॉर्म हो गया है, तो आप लोग जाकर अभी अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप लोग अपने मोबाइल से ही आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल की कैसे आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो लाएं, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि एक वीडियो चाहिए इस पर कि आप लोग मोबाइल से कैसे फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट दिया गया है 30 जून 2021 तक दिया गया है। उसके बाद फिर देखिए आगे दिया गया कि देयर विल बी ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल UG एंड MCA प्रोग्राम्स। यहाँ दिया गया अगर आप लोग UG यानी कि BA BSc, जैसे BA BSc हो गया और BCOM हो गया, जैसे कि BCOM हो गया, BCA हो गया, BCA BBA, इन सभी के लिए आप लोगों को क्या क्या करना होगा, आप लोगों को एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जिसमें आप लोगों को पास होना होगा तभी आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद दिया गया MCA प्रोग्राम, यानी कि MCA प्रोग्राम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में भी जितने कोर्स आते हैं आप लोगों को उसमें भी आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा तभी आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है कि इफ़ एनी क्वेरी, आप लोगों को कोई समस्या आती है फॉर्म भरने से रिलेटेड या फिर उससे आगे जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर आप लोगों को एडमिट कार्ड किसी वजह से नहीं आता है, किसी वजह से गलती हो गया है, सुधार नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को कोई भी समस्या आती है तो यहाँ दिया है कि इफ़ एनी क्वेरी प्लीज़ कंटेक्ट कॉलेज ऑफिस एंड सी द डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट ऑन कॉलेज वेबसाइट एंड कॉलेज नोटिस बोर्ड अपेयरिंग कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर UG एंड PG प्रोग्राम्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ दिया है कि आप लोग अगर जैसे UG में एडमिशन आप लोग लेना चाहते हैं, और जैसा कि जानते हैं बिहार बोर्ड 12th का एग्ज़ाम तो रिजल्ट तो पास मतलब आ गया है, लेकिन आप लोगों को CBSE का बता दें, CBSE का जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है। तो वहाँ कहा जा रहा है कि आप लोग अपेयरिंग में हैं अभी, तो आप लोग इसका जो फॉर्म है उसे भर सकते हैं। और वहीं बात करें ICSE की, तो उसकी भी जो रिजल्ट है अभी तक अपेयरिंग में है, तो वो भी आप लोग भर सकते हैं। वहीं बात करिए यहाँ जो आप लोगों को यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट दिया गया है, अगर आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट दिया गया, आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं और अंडर ग्रेजुएट में आप लोगों को अभी तक जो भी एग्ज़ाम लिया नहीं गया है, फॉर्म भराया गया है, इस वर्ष आप लोगों को फाइनल होने वाला है, तो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट में आप लोग नामांकन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ दिया गया कि अपेयरिंग भी रहेंगे तो आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद दिया गया कि UG एंड PG प्रोग्राम्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि UG एंड PG के लिए यह कहा गया है कि आप लोग अपेयरिंग भी हैं तो आप लोग जो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है, यहाँ जैसा देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया कि UG प्रोग्राम्स में आप लोगों को क्या क्या आएगा, अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं क्या क्या आएगा आप लोगों को, उसमें आप लोग यहाँ दिया गया, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिए, आप लोग समझ में आए। देखिए पहला है BCA, अगर आप लोग BCA करना चाहते हैं यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग बता दें कि आप लोग अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आप लोग इसमें ले सकते हैं। वो
एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी AMM का भी कर सकते हैं। तो रही बात करिए, देखिए CEMS भी करना चाहते कर सकते हैं, और BMC भी यहाँ से कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन और माइक्रोबायोलॉजी भी यहाँ से कर सकते हैं, BBA यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और साथ ही जैसा कि हमने बताया BA BSc BCom, ये तो कॉमन है, सभी लोग जानते हैं कि अंडर ग्रेजुएट में BA BSc BCom आता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि ये सब चीज़ नहीं जानता, लेकिन ये सब भी बहुत फ़ायदे होते हैं, तो आप लोग ये सब भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट में देख सकते हैं MA MCA में, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट में MCA आता है, जूलॉजी आता है, फिजिक्स से आप लोग कर सकते हैं, वहीं बात करें होम साइंस कर सकते हैं, यानी होम साइंस ज्योग्राफी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस से, सोशल वर्क से, ये सब कर सकते हैं। उसके बाद देखिए PG डिप्लोमा प्रोग्राम, यहाँ जैसा कि हमने ऊपर बताया कि PG डिप्लोमा भी आप लोगों को, और यही बात करें PG प्रोग्राम में यहाँ देख सकते हैं PG प्रोग्राम में आप लोगों को क्या क्या आता है। आप लोग PG डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप लोगों को देखिए PGDCA आता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, PGDFD यानी फैशन डिजाइनिंग, उसके बाद बात करें तो PGDMMM यहाँ पर आप लोगों को आता है एडवाइजिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं PGDJMC यहाँ पर आता है जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन, ये सारी आप लोग के जो कोर्स आते हैं इस PG डिप्लोमा में, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। आप लोग अगर PG में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के लिए आपका जो एडमिशन है स्टार्ट हो गया, और लास्ट 30 जून है, तो आप लोगों की वीडियो अच्छी लगा और तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिकमेंड करता है कि वीडियो कैसे लगा। तो चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।